अस्सलाम वालेकुम भाई। आज है हमारा कलात में डे 2 और आज हम जो है स्टार्ट करेंगे कारपेट मेकिंग जो पूरा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। आज सब यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं कलात में कारपेट मेकिंग करती हैं, यहाँ पे सीखती भी हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ हैंडी क्राफ्ट भी बनाती हैं। तो मेरा फोकस जो है फ़िलहाल कारपेट मेकिंग के ऊपर है, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे भी मुझे बहुत कुछ दिखाना है आपको कलात में, तो आपको मेरे साथ रहना है। डे 2 में जो है तमाम चीज़ें जो जो हमें मिलती रहेंगी हर रास्ते में हम वो दिखाते जाएंगे, ठीक है। यह हम जो है ना अकरम भाई की पली हुई गाड़ी में बैठे हुए हैं जो इनके बगैर स्टार्ट नहीं होती। कलात में जब हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गए तो यहाँ ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि अब ख़वातीन जो है वो यहाँ पर भी एम्पावर हो रही हैं और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर क़ालीन साज़ी सीखने के लिए आ रही है। इसके अलावा इसी ट्रेनिंग सेंटर में एक और सेक्शन है जहाँ पर ख़वातीन कढ़ाई सीखती हैं। और ये मैं बताती चलूँ कि बलोची कढ़ाई जो है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है अगर आप इसको किसी आम बाज़ार या मार्केट से कराएं, स्पेशली जो हाथ से की जाने वाली कढ़ाई है। जो कारपेट मेकिंग कर रही थी और कशीदाकारी कर रही थी, वैसे यहाँ पे जो एक आम लिबास है बलोची काम वाला उसकी कम से कम कीमत 30,000 है। तो 30,000 से लेके वो 1 लाख तक चला जाता है, बल्कि उससे भी आगे चला जाता है जो ख़वातीन यहाँ पे पहनती हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो काम सीख रही हैं। और मेरी यहाँ पे जो है वो बच्चियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई हमें काम इसलिए सीख रहे हैं कि कल हम जब घर बैठ के ये काम अपने लिए करेंगे तो हो सकता है कि हम दूसरों से भी काम लेकर करें और उस पर हम जो है कुछ अर्न कर सकें। तो चलें, अब नेक्स्ट विज़िट है मेरा शाही मस्जिद कलात का और शाही कब्रिस्तान का। खान ऑफ कलात जो है उनके जो बहुत सारे लोग थे उनका जो शाही कब्रिस्तान है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं और वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, चलें मेरे साथ। कलात की शाही मस्जिद जो है उसकी एक अलग ही पहचान है और अलग अहमियत है उसकी कलात में। यहाँ हमें अब्दुल अजीज़ बलोच मिले और उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1935 में बलूचिस्तान में आने वाला जो सबसे बड़ा जलजला था जिसमें क्वेटा और कलात जो है मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पे थे और बहुत तबाही मची थी, उसमें ये मस्जिद भी शहीद हो गई थी, जिसके बाद खान ऑफ कलात ने इस मस्जिद को तामीर करवाया था और ना सिर्फ तामीर करवाया बल्कि इस चीज़ को इंश्योर किया कि ये मस्जिद ज़लज़ला प्रूफ हो। इस मस्जिद के साथ ही एक बाकायदा एक शाही कब्रिस्तान है जहाँ पर खान ऑफ कलात जो हैं उनकी जितने भी उनके ख़ानदान के लोग हैं और जितने भी अब तक खान ऑफ कलात गुजरे हैं उन सब की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि कलात क्वेटा जो हाईवे है उस पर भी एक कब्रिस्तान मौजूद है जहां पर करीब 200 साल या 300 साल पुरानी 700-800 साल पुरानी कब्रें भी मौजूद हैं, जो कि इस बात की तायद करती हैं कि जो है वो कितना कदीम है कलात और इसकी आइडेंटिटी कितनी कदीम है।